वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम ये सनफ्लावर बनाना सिखाएंगे आपको, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एक मैजिक रिंग बना लेंगे, उसके बाद एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद वहाँ पे इसी रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये एक, थोड़ा सा खींच लेंगे इसको पीछे से, दो, तीन, चार, पाँच और ये 6। तो 6 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब इसको हम खींच देंगे पूरा और पहले सिंगल क्रोशिया में और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेकेंड राउंड चालू हो रहा है ये, तो उसमें हम स्लिप स्टिच से जॉइनिंग करने वाले हैं। यहाँ पे एक फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। पहला सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसको स्टिच मार्कर से मार्क कर देंगे। ठीक है, सेकेंड राउंड का पहला स्टिच है ये, इसको हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट राउंड में ये काम आएगा हमारे। तो हर एक चेन में दो दो बार करके, तो 6 था हमारे पास सिंगल क्रोशिया। अब दूसरे राउंड के एंड में हमारे पास 12 हो जाएंगे। तो ये एक बना लिया था और एक दूसरा, ये दूसरा वाला है। अब सेकेंड में एक है, पहला वाला ये है, दूसरा वाला दो हो गई। ऐसे करके सारे में 6 सिंगल क्रोशिया में हमको दो दो बार करके 12 बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद हम बताते हैं, ये दो हो गया और आखिरी में फिर से दो बार, एक दो हो जाने के बाद जो जिसको स्टिच मार्कर से मार्क करके रखे थे उसको एक पहले थर्ड राउंड शुरू करने से पहले उसमें बना लेंगे। फिर स्टिच मार्कर निकाल के जो लास्ट बनाया हमने उसमें मार्कर डाल देंगे। अब क्या करना है, थर्ड राउंड में पहले एक हो गया, दूसरे में दो बार बनाना है सिंगल क्रोशिया, एक दो, फिर एक, फिर नेक्स्ट वाले में दो बार। जैसे हम सिंपल सा सर्कल बनाते हैं वैसे ही पैटर्न में चलेगा ये सर्कल, छोटा सा बनेगा। तो देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो समझ में आएगा आपको कि ये सुंदर सा सनफ्लावर कैसे बनाते हैं। और सुंदर दिखाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा दो आँख और एक मुंह बना दिया है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया, जिनके दिखा देते हैं, एक, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह और ये 18। पहले में 6 था, नेक्स्ट वाले में 12 हुआ था, अब तीसरे राउंड के एंड में हमारे पास रह गए 18। तो नेक्स्ट राउंड चालू हो रहा है फोर्थ वाला, जहाँ पे स्टिच मार्कर था वहाँ पे एक बार डाल के बना लेंगे। स्टिच मार्कर को निकाल देंगे बनाने के बाद, पहला हो गया, इसमें मार्कर डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले में एक बार, उसके अगले वाले में दो बार, पहले में एक, उसके बाद एक, उसके अगले वाले में दो, ऐसे करके ये राउंड कंप्लीट होगा। एक एक दो, एक एक दो, ऐसे करके पैटर्न फॉलो होगा। तो चलिए देखते हैं आखिरी में हमारे पास इसके राउंड के, ये फोर्थ वाले राउंड के एंड में हमारे पास रह जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा है बनाना, बहुत ही आसान है, बहुत प्यारा लगता है दिखने में। मैं ये कीरिंग के तौर तरीके से ये बनाऊंगी, आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं बिना कीरिंग के। ये हमारा आखिरी हो रहा है, राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो हो गया। अब जो
पहला वाले में स्टिच मार्कर डाल के रखे थे। पहले आपको गिन के दिखा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
कर देंगे। हो जाने के बाद स्लिप स्टिच से पहले स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद ज्वाइन होने के बाद तीन चेन लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो बार धागा घुमाएंगे वहीं पे क्रोशिया उठा लेंगे, फिर क्रोशिया यहाँ पे अंदर दो बार घुमाएंगे धागा को अंदर डाल के उसको आएंगे, अब दो को छोड़ देंगे, फिर दो को छोड़ेंगे, फिर आखिर में दो छोड़ेंगे। ये इसी तरह उसी एक ही होल में हमें पांच बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। बनाने के बाद दो छोड़ेंगे, ऐसे ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाते हैं देखिए, दो बार बना लिए, ऐसे घुमाए, दो छोड़ दिए, फिर दो छोड़ दिए, हो गया ये। अब तीन चेन लेके वहीं पे वही सेम जगह पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अब हम नेक्स्ट वाला छोड़ देंगे, एक चेन स्किप करेंगे, दूसरे वाले में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये एक पेटल रेडी हो गया, अब दूसरा वाला चालू होगा, वही एक छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रश स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, वहीं पे थ्री चेन बनाएंगे, उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे वही एक ही जगह पे, छह बार बनाएंगे। बनाने के बाद वही पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, तीन चेन लेके स्लिप स्टिच से वहीं पे ज्वाइन कर देंगे। वहीं पे ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट जो स्टिच है, नेक्स्ट जो है उसको स्किप करेंगे और उसके निकलने वाले में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, तीन चेन बनाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे पास 12 पेटल्स हो जाएंगे, 24 थे, एक एक स्किप करेंगे हम तो 12 पेटल बन जाएंगे। पूरा बन के तैयार हो गया है, अब हम उसको ज्वाइन कर देंगे। एक पेटल बचा हुआ है, दो तीन बनाएंगे और उसी तरह बनाना है, छह बार ट्रिपल क्रोशिया एक ही जगह पर बनाने के बाद फिर तीन चेन लेके वहीं पे ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से और उसके बाद ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हमने लिख भी दिया है, रिटन भी है यहाँ पर वीडियो में, पर समझ में अगर ना आए मेरी बात तो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद भी समझ में आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे गलती से यहाँ पे नहीं, गलती से हो गई है, यहाँ पे नहीं, जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था वहाँ से एक चेन लेके हमने गलती से धागा काट दिया, यहाँ पे चेन बना के उसको फिर से स्लिप स्टिच बना के एक रिंग जैसा बना लेना था, तो गलती से मैंने किया, कट कर दिया ये रूल यहीं पे, तो यहीं पे चेन बना के 10-20 वहीं पे फिर से ज्वाइन कर देने देंगे, तो ये रिंग के लिए, रिंग लगाने के लिए एक सर्कल बन जाएगा। तो मैं गलती से वहाँ पे धागा काट दी थी तो वीडियो में नहीं हुआ ये, तो देखिए ये हमारा हो गया और इस टेल को ये पीछे ऐसे सिक्योर कर देंगे अंदर जाके। तो देखिए हमारा ये हम बन के तैयार हो गया है, तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये वीडियो। अगर पसंद आए गाइस तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कैसा बनाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे बनाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।